हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्रियों की कड़ियों में, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। चलिए तो इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी या बायोग्राफी। तो इनके जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ, और इनके निधन या मृत्यु की बात करें तो 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में। ठीक है, कार्य की बात करें या पद की तो ये भारतीय राजनेता थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत रत्न सम्मान 2015 में मिला हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वे जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, और वह भारत के सबसे सम्माननीय और प्रेरक राजनीतिज्ञों में से एक हैं। वाजपेयी ने कई विभिन्न परिषदों और संगठनों के सदस्य के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। वाजपेयी एक प्रभावशाली कवि और फिखर वक्ता भी थे। एक नेता के तौर पर वे अपनी साफ छवि लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाने जाते हैं। सन 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। उनके अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। वह अपने पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी के 7 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक विद्वान और स्कूल शिक्षक थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वाजपेयी लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर में DAV कॉलेज चले गए। यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। आगे पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ से आवेदन भरा, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाए। उन्होंने RSS द्वारा प्रकाशित पत्रिका में बतौर संपादक नौकरी कर ली। हालांकि उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने BN कॉल की 2 बेटियों नमिता और नंदिता को गोद लिया है। नमिता और नंदिता। उनके करियर की बात करें तो वाजपेयी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वह अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार भी हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसी समय उन्होंने उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई, जो भारतीय जनसंघ यानी BJS के नेता थे। उनके राजनीतिक एजेंडे में वाजपेयी ने सहयोग किया। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मुखर्जी की जल्द ही मृत्यु हो गई और BJS की कमान वाजपेयी ने संभाली और इस संगठन के विचारों और एजेंडों को आगे बढ़ाया। सन 1954 में वह बलरामपुर सीट से सांसद सदस्य निर्वाचित हुए। छोटी उम्र के बावजूद वाजपेयी के विस्तृत नज़रिए और जानकारी से उन्हें राजनीतिक जगत में सम्मान और स्थान दिलाने में मदद मिली है। सन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। 2 वर्ष बाद उन्होंने चीन के साथ संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहां की यात्रा की। चीन की भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के कारण प्रभावित हुए भारत पाकिस्तान के व्यवहारिक रिश्तों को सुधारने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा का नई पहल की।
जब जनता पार्टी ने आरएसएस पर हमला किया, तब उन्होंने 1979 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने की पहल उनके बीजीएस आरएसएस से आए लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे साथियों ने रखी। स्थापना के बाद पहले 5 साल वाजपेयी इस पार्टी के अध्यक्ष रहे। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इनका जीवन देखें। सन 1996 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण सरकार गिर गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री से मात्र 13 दिन के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। सन 1998 में चुनाव में बीजेपी एक बार फिर विभिन्न पार्टियों के सहयोग वाला गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सरकार बनाने में सफल रही, पर इस बार पार्टी सिर्फ 13 महीने तक ही सत्ता में रही। तो पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार 13 महीने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेट कागम ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। वाजपेयी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कराए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। सन 1999 के लोकसभा चुनावों के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को सरकार बनाने में सफलता मिली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। इस बार सरकार ने अपने 5 साल पूरे किए। ऐसा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सहयोगी पार्टियों के मजबूत समर्थन से वाजपेयी ने आर्थिक सुधार के लिए और निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन हेतु कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में राज्यों के दखल को सीमित करने का प्रयास किया। वाजपेयी ने विदेशी निवेश की दिशा में और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया। उन्होंने नई नीतियों और विचारों के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने तुरंत विकास हासिल की। पाकिस्तान और यूएसए के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते कायम करके उनकी सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश नीतियां ज्यादा बदलाव नहीं ला सकी, फिर भी इस नीतियों को बहुत सराहा गया। अपने 5 साल पूरे करने के बाद एनडीए गठबंधन पूरे आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2004 के चुनाव में उतरा, पर इस बार कांग्रेस नेतृत्व यूपीए गठबंधन ने सफलता हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। दिसंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। अब अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ये अविवाहित थे। उन्होंने राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया था। इनके मृत्यु की बात करें तो सन 2009 में उन्हें दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता ही गया। 11 जून 2018 को उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया, जहाँ 16 अगस्त 2018 को वे परलोक सिधार गए। 17 अगस्त को उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य मुखाग्नि दी। राजघाट के पास शांति वन स्मृति स्थल में उनकी समाधि बनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी को मिले सम्मानों पुरस्कारों की बात करें हम लोग तो देश के अपने अभूतपूर्व सेवाओं के चलते उन्हें सन 1992 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। सन 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि का सम्मान प्राप्त हुआ उन्हें।
सन 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1994 की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। सन 1994 में सर्वश्रेष्ठ संसद का सम्मान दिया गया इन्हें। सन 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सन 2015 में बांग्लादेश द्वारा लिबरेशन वार अवार्ड दिया गया इन्हें। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करें तो सन 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर शहर में हुआ और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया इन्होंने। 1957 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी। सन 1980 में BJS और RSS के साथियों के साथ मिलकर BJP की स्थापना की। सन 1992 में देश की उन्नति में योगदान के लिए पद्म विभूषण से पुरस्कार दिया गया। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 माह के लिए, याद रखिए। तीसरी बार 1999 में प्रधानमंत्री बने और इन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा संचालित कर इतिहास रचा। 2005 में दिसंबर माह में राजनीति से संन्यास ले लिया इन्होंने। 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। 11 जून 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। 11 जून को इन्हें भर्ती कराया गया अस्पताल में, हॉस्पिटल में, और 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिए, यहाँ 16 अगस्त है। चलिए, तो ये थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।